भैया जी हम क्या कह रहे हैं, बहुत दिन हो गए, हम पटना नहीं गए और आप नहीं गए हो। चलो फिर के आते फ्रेश हो जाएंगे। ये 1,00,000 रुपए हैं। इतने सारे पैसे लेके कहाँ जा रही हैं? अरे ये 5,000 रुपए हैं जो मैं भगवान के मंदिर में दान करना चाहती हूँ। दान? हाँ। क्या कर रही हैं आप? मेरी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई आप दान कर देंगे? मैं ऐसे बर्बाद नहीं करूंगा। अरे लाइए। नहीं नहीं नहीं। लाइए। कितने कंजूस है आप? आपसे पैसे मांगने से तो अच्छा किसी बैंक को लूट लूं मैं। नो नो, क्या कर रही हैं भाभी जी? सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पर, पकड़ लेंगे, जेल के अंदर हो जाएंगी। एक काम करिए, किसी अमीर आदमी को अकेले में लूट लीजिए। ये आपने क्या किया नीलू जी? डाका, डाका डाला आपने, अपना कहा कर दिखाया, वो भी इतनी जल्दी। काय बोलता? अरे हम का बोले हैं, आपके हाथ में ये पैकेट चीख चीख के इस बात की गवाही दे रहा है। लेकिन भैया जी हमने तो कोनो चीख सुनी नहीं। ये कहावत है, हाँ, इसको समझने के लिए अक्ल चाहिए होती है। आपने कैसे समझी? आप दोनों अपनी जुगलबंदी बंद करें तो मैं कुछ कहूँ। क्या कहेंगी आप? हैं? अब कहने को बचा ही क्या है? आपने तो हमारी नाक कटवा दी। नाक नहीं कटी, वो तो उतनी मोटी है जितनी भगवान ने चिपका कर भेजी थी। अरे ये शर्मा जी के पैसे हैं। डाका बैंक में डाला जाए या शर्मा जी के यहाँ, डाका तो डाका होता है ना। आप अपना जुर्म कबूल कर लीजिए और अपने को पुलिस के हवाले करवा दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? ये पैसे शर्मा जी ने मुझे सौंपे हैं। अरे तो किसी के गले में छुरी रख दे हो या कनपटी में पिस्तौल रख दे हो तो शर्मा जी तो मामूली आदमी है, गब्बर सिंह भी पैसे दे देगा भाभी जी। ये लो, चाय से ज्यादा केतली गर्म। शर्मा जी दिल्ली जा रहे हैं, मोहल्ले में चोरियां हो रही है, इसलिए ये पैसे संभालने के लिए मुझे सौंपे हैं। कल वापिस आएंगे तो वापिस दे देंगे। अरे लेकिन ये कहा किया नीलू जी, ये तो बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। अगर ये पैसे हमारे घर से चोरी हो गए तो हम शर्मा जी को क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ भैया जी के पास दूसरा मुंह भी नहीं है। पांडे जी अब क्या अलमारी में सोएंगे आप? नहीं नहीं, हम भी देख रहे थे कि रुपए सही सलामत है कि नहीं। अरे घर में घुस कर कौन पैसा चुराएगा, और वैसे भी पीके बाहर पहरा दे रहे हैं ना। अरे पीके का कोई भरोसा है? 20% में डील फाइनल करके खुदा ही हमको लुटवा देगा। छी 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 छी, पीके के बारे में ऐसा सोचते हैं आप? बेचारा इतने साल से आपके चरणों में रहता है वो। हाँ, इसीलिए डरते हैं। किसी दिन हमारे दोनों चरण पकड़ कर खड़ा हो गया ना तो हम तो मुँह के बल गिर पड़ेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? पैसे के लिए पीके पे शक कर रहे? कंजूस कहीं के, मुझे भी सुबह 5,000 रुपए नहीं दिए आपने। अरे रुपए पेड़ पे उगते हैं का? ठीक है नहीं उगता, अब मुझे सोने दीजिए, आप भी सो जाइए। नहीं नहीं आप सो जाइए, हम नहीं सो सकते हैं भाई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है सर पे। अंधेरा हो गया, ये तो इसमें तो और रिक्स है। ए भगवान, आज ये रुपए चोरी होने से बचा ले, मैं तुझे 101 रुपए चढ़ाऊंगा। घर नहीं हुआ बैंक हो गया, पैसे भी संभालो और 101 रुपया ब्याज भी दो। पर हम तो इस बैंक के ऐसे वॉचमैन हैं जिसके पास ना डंडा है ना सीटी है, मुंह से ही काम चलाते हैं। जागते रहो, आप सोए रहिए। पांडे जी, आपको अलमारी में किसने ठोक दिया? आप तो खड़े खड़े सो रहे थे। नहीं, मैं अलमारी की रक्षा कर रहा था कि ये सब ठीक है कि नहीं। नहीं आया चोर? नहीं आया। पांडे जी अगर चोर आता तो अलमारी से पहले आपको खोल देता। आइए यहाँ लेट जाइए। पांडे जी शर्मा जी आ गए हैं, मैं उनके पैसे लौटा कर मंदिर जा रही हूँ, ठीक है? अरे नीलू जी उठ भी गए। पीके,
कोई इससे पूछोगे यहाँ भी आओगे। अरे भाई देखो, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, 1,00,000 रुपए रख के थे, गायब हो गए। क्या कर रहे हो? बताइए इसे। यानी कि चोर अपना काम कर गया। हाँ, पर कैसे? हम तो सारी रात अलमारी पर पहरा दे रहे थे। तो हम कर सो रहे थे, हम भी तो रात भर दरवाजे पर ताले की तरह लटके हुए थे। और तो और भैया जी, हमने वॉचमैन को 10 रुपये दिए, उससे कहा कि बंगले के सामने खड़े होकर सीटी बजा, उसने बजाई, हमने सुनी। अरे तो फिर चोरी कैसे हो गई? कैसे हो गई भैया जी? हम क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि इतने इंतजाम के बाद भी अगर चोर रुपये ले गवा तो ये समझ लो वो उसका हक था। का? मतलब बड़ा ही होशियार था। अरे आप चोर की तारीफ कर रहे हैं? चोर कहीं के? भैया जी हम देखो। अरे भैया हम तो बहुत नर्वस हो रहे हैं, बहुत घबराहट हो रही है हमको कि हम नीलू जी को क्या जवाब देंगे। ओ भैया जी, हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हमने कोई चोरी नहीं की है। अरे चौकीदारी तो की है। ओ भैया, अगर नीलू जी को 1,00,000 रुपए नहीं मिले ना तो सच 1,00,000 जन्मों तक नीलू जी हमें ताने मारती रहेगी। पांडे जी। जी 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 जी। ये आप दोनों ऐसे क्यों खड़े, जैसे 26 जनवरी के परेड में सलामी देने के लिए लोग खड़े होते हैं? ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, विश्राम जी। वो मिसेस महादेवन है ना, उनके बहू की गोद भराई की रस्म है, मैं वहाँ जा रही हूँ। जी। 4-5 घंटे लगेंगे। हटिए, मुझे अलमारी से साड़ी निकालिए। अरे, अरे आप काहे कष्ट करती हैं? अरे यहाँ खड़ी हो जाइए, हम निकाल के देते हैं। कितना ध्यान रखते हैं आपके भैया जी। ये साड़ी तो मैं 24 बार पहन चुकी हूँ। तो 25वीं बार पहन लीजिए, सिल्वर जुबली हो जाएगी और यही बहाने पार्टी भी हो जाएगी। हटिए, मुझे निकाल। यहाँ खड़ी हो जाइए, जहाँ खड़ी थी ना वहाँ खड़ी हो जाइए, हम देते, हम निकाल के देते। है क्या उसमें? है ना, ये 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 छी छी, ये साड़ी तो मैंने बाई को देने के लिए निकाली है। बहुत बढ़िया है, बाई को देने के लिए। आज पहन लीजिए, कल दे दीजिएगा। इतना कॉमेडी का शौक है तो फिल्मों में क्यों नहीं काम करते? वही खड़ी रही है यहाँ। सुनिए, अच्छा मेरी बात सुनिए, इस साड़ी में क्या खराबी है? ये तो मैंने सुबह से पहन रखी है, यही साड़ी पहन के तो मैं मंदिर गई थी। ओ शंकर भगवान की जय। वाह, देखो भाभी जी, आप तो हुआ आशीर्वाद देने जाएंगी जाएंगी और साथ ही ऑटोमेटिकली भगवान का भी आशीर्वाद आपकी बहू को मिल जाएगा। क्या बोलता? सही बोलते हैं। और वैसे ना इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती है। क्या बोलते? क्या बोले, आईना देख लीजिए ना। भाभी जी, बहू को आशीर्वाद देने जा रहे, देर ना हो जाए, पता लगा बच्चा हुई कब। जब पहुंचे आप। अरे भूल गई, कहाँ जा रहे? अरे पैसे तो लेने दीजिए। नहीं 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 नहीं। क्या, मैंने कल आपसे 5,000 रुपए मांगे थे, वो तो दिए नहीं आपने। अब बहू के हाथ पे देने के लिए शगुन के 500 रुपए चाहिए, वो तो दीजिए। हाँ, नहीं, हम क्या कह रहे थे कि वहाँ तक कहाँ जाएंगे आप, हम ही दे देते हैं ना। लाइए। अरे ये तो लाइए ना। पीके जी दीजिए जरा। वो हम कहे थे भाई, हम तो उनको जानते भी नहीं जाए जा रही है। ओहो, आप हमको जानते हैं? हम इनको जानते हैं। हाँ, ये उनको जानते हैं। हाँ, तो मतलब जानते ही है ना। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो दिए देते हैं। दे, लाइए। देखो भाभी जी, ये हो गए 10 और ये हो गए 10। कैसे? 20 क्या करें? ये सब मिला के 10, 6,30 रुपया हमारे पास। अरे इतने नहीं चाहिए मुझे। अरे बाकी टिप दे दीजिएगा। अच्छा सुनो सुनो। हाँ बोलिए। नीलू जी के लौटने से पहले हमको पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। ओए होए भैया जी, आप भी ना ऐसी बातें कर रहे हो। अरे 630 रुपए हम आपसे मान लो ले भी लेंगे तो क्या मकान खड़ा कर देंगे? रखो रखो रखो। गधे गधे, मैं 630 की बात नहीं कर रहा हूँ। तो? अरे जो 1,00,000 रुपया चला गया उसकी बात कर रहा हूँ। अरे तो भैया जी, आप हैं करोड़पति, समझ गए, वो 1,00,000 रुपया चुटकी बजाओ आ जाएंगे और दे देना आप उसको। अरे हमारी जेब में नहीं रहता है ना पैसा, कंपनी अकाउंट पे पैसा है, वो तुषार और करीना के साइन के बिना नहीं निकाल सकते। भैया जी एक बात बता, मैं आपका दोनों के साइन की प्रैक्टिस कर ले। का? नकली नकली साइन? जब ढेर सारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो नकली नकली नहीं होगा, असली हो जाएगा। फालतू की बकवास करते हो। फालतू बकवास, कितने भी प्रैक्टिस करो नकली तो नकली होता है ना। और वैसे भी आज बैंक हॉलीडे है। आप ATM से निकाल लो। ATM से हम 20,000 से ज्यादा तो निकाल ही नहीं सकते। तो हम क्या करें? हम क्या करें बोलो आप। हाँ एक मिनट। कहाँ है? एक मिनट कहाँ है? कहाँ आपके घर में कितने रुपए हैं?
कब आया अचानक आप इनकम टैक्स अफसर की तरह बात करने लगे भाई? नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब है आप घर से दे दीजिए, हम कल को आपको पर्सनल अकाउंट से निकाल के दे देंगे। हमारे घर में 370 रुपया है भैया जी। हाँ, आप कभी राउंड फिगर में नहीं रखते पैसे अपने पास? राउंड फिगर था हमारे पास भैया जी, देखो आपको मालूम है 1000 रुपया थे, भाभी जी कितने दिए 630 रुपया, कितने बचे 1600 बचे। हाँ ठीक है ठीक है, तो बोलो तो क्या बोला? अच्छा मान लो भैया जी हम ATM से खुद अपने अकाउंट से 20,000 रुपया निकाल भी लें। अरे ये तो बहुत बात बन जाएगी भाई। हमारी का बात बनेगी, इसमें हमारा का फायदा होगा भाई? हमारे अकाउंट में पड़ा है तो कम से कम इंटरेस्ट तो मिल रहा है, हम आपको देंगे कहाँ मिलेगा भाई? हम भी देंगे 100%। नहीं 100% वापस तो कर दोगे, लेकिन कहाँ दोगे, इंटरेस्ट दोगे? देंगे 20+20 डन देंगे। हाँ तो ठीक है भैया जी, 20 हमने निकाल के आपको दिए, घर पे रखे 370 कितने हो गए जोड़ो सब। देखो ये होगा 20,000 40,000। हाँ। घर में आपके 370 पड़े हुए। हाँ। तो 40,370। ओके। अब हमको चाहिए 59,630। ये तो बहुत है। बहुत कैसे होगा? क्या करें? राम राम साहेब। इस महीना का हिसाब कर दें। बाकी घरों का हो गया है क्या? हाँ हो गया। अच्छा तो अंदर आओ जरा। का मतलब? नहीं गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, हम बाहर आ जाते हैं। और कहा ये देख आ गए, अब तो थोड़ा अंदर आना। हाँ, 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 हाँ। ये कह रही हैं कि सब घरों का हिसाब हो गया है। हाँ, हिसाब हुई गवा, मतलब पैसा मिल गवा। कितना पैसा मिला है अब तक? 19,000। 2,000 आपका मिला के 21,000 हो गया। 21,000 है? थोड़ा अंदर आ जाओ। अच्छा देख ऐसा है, जो हमारे 2,000 है ना वो तो नीलू जी आएंगे तो हिसाब हो ही जाएगा। अच्छा ये जो तुम्हारे 19,000 है इसका हिसाब जरा हम लोग कर ले। का मतलब? मतलब ये 19,000 जरा हमका दे दो। ये हमारा खून पसीने की कमाई है, हम काहे दे दे? अरे हम वापस देंगे ना, खून पसीना भी देंगे। खून पसीना का मतलब? मतलब ब्याज के साथ दे देंगे ना। हाँ ब्याज दे देंगे, थोड़ी देर तो थोड़ा सा इधर आप, थोड़ा ब्याज मिल जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा ना। बोलो मंजूर है? 19,000 का 38,000 लेंगे। 38,000 मतलब डबल, मतलब 100% ब्याज। हाँ, ऐसे थोड़े होता है कुछ। लेना है तो लो, नहीं तो जय राम जी की। हम छीन लेंगे तुम्हारा पैसा, तुम्हारा बाप का माल है। हम चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करेंगे, सब अपने अपने हिसाब से मारेंगे तुमको। नाराज मत हो भाई, हाथ जोड़ रहा तेरे, इसको तो बात करने की तमीज ही नहीं है। चुप रहिए। देखिए देखो ऐसा है, जो तुम्हारा हिसाब है ना वो हम तुम्हारे हिसाब से करेंगे ना। हाँ तो ऐसा बोलिए ना। सॉरी। अच्छा लाइए हमका दे दीजिए। हाँ दे दीजिए, ये लीजिए। हाँ। अब बटुआ भी वापस कर दीजिएगा। हाँ, इसी में डाल के देंगे। हाँ। आप डरिए नहीं, आपको पैसा डूबेगा नहीं, वो हमको निकालना आता है। फिर वही दरवाजा खोलिए, चलिए। दो बन के नोट है, धुले हुए लग रहे हैं। वो तो है ही है ना। ओके जैसे काम देख लो पूरे हैं कि नहीं। कौन है भाई? साहब हम चंदे वाले हैं। चंदे की तो बहुत सख्त जरूरत है। हम चंदा देते नहीं हैं, चंदा लेते हैं। लेते हैं? हाँ साहब, कैंसर के लिए, भूकंप के लिए, सुनामी पीड़ितों के लिए। ना 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 भैया, फिर तो जाओ यार, हम तो खुद ही चंदे में जी रहे हैं यार। अरे साहब साहब आप लोग भी कुछ चंदा दीजिए ना। नहीं चाहिए यार। अरे साहब बहुत सारे लोगों ने दिया है, इसमें 40,000 रुपए हैं साहब, इसमें 40,000 है। 40,000? हाँ साहब। नहीं 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 नहीं, इसमें कुछ कम है, कम है। नहीं 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 साहब, लोगों ने 1,000 के 500 रुपए के नोट दिए, 40,000 रुपए से ज्यादा होंगे हम सब कह रहे हैं। अच्छा यार आ जाओ आ जाओ। अरे साहब जय हो 1,00,000 रुपए, बाप रे बाप, आज तो जाने निकल गए थे लेकिन अब सब ठीक हो गया। सही पैकिंग भी कर दी हमने। भाई 1,00,000 रुपए का फटका जरूर लगा लेकिन इज्जत बच गई। बढ़िया है, फटका दूसरों को लगा, इज्जत आपकी बची, बढ़िया है। पांडे जी। आ गई आ गई आ गई। हाय हाय बहुत थक गई मैं। सुनिए पांडे जी, जरा अलमारी में से मुझे घर में पहनने वाली साड़ी निकाल के दीजिए। आपको तो लत ही लग गई भाई, अपने आप निकाल लीजिए। ठीक है निकालती हूँ, हटिए तो। ये क्या इतने सारे पैसे? शर्मा जी के पैसे हैं,
हम चौकीदारी कर रहे थे, जा कहां सकते थे है? शर्मा जी वाले पैसे, अरे वो तो मैंने उन्हें सुबह लौटा दिए। आप यहाँ सोए थे, मैंने आपसे कहा भी, आपने नींद में हाँ कहा। हाँ कहा? जय महादेव की। ये तो महादेव जी का प्रसाद है। कंजूस कहके मैंने 5,000 रुपए मांगे थे, आपने देने से इनकार कर दिया। मेरे भगवान ने मेरी सुन ली, ये उन्हीं ने प्रसाद दिया है मुझे, अब ये प्रसाद उन्हीं के चरणों में दान कर देती हूँ। दान? नीलू जी, दान दान के पैसे नहीं है ये तो बलिदान के पैसे। कितने लोगों का बलिदान है इसमें। तुम्हारा भी तो है, रोको ना। नो नो, हमारा कोई बलिदान नहीं है ना दान है, हमारा सिर्फ योगदान है, वो भी उधार के रूप में 20+20। गिव मी बैक। क्या? गिव मी बैक। ओहो, अरे दे देंगे। कब? तब। तब? जब। जब कब? जब कोई मुर्गा हाथ लगेगा। मुर्गा ढूंढिए।